माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश कॉटेज एंड अविनाश मेहता वेलकम्स यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सीबीएसई क्लास 12 के फ्लेमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन से पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इससे पहले हमने पोएट्री का पहला पोएम माई मदर एट 66 कर लिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आप सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश के प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो वहाँ भी आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये हमारे बुक का फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर है, लेकिन इसका नाम है द लास्ट लेसन। ये चैप्टर अपने आप में, इसके टाइटल में ही आयरनी है कहें तो, क्योंकि ये बुक का पहला चैप्टर है और नाम है द लास्ट लेसन, ओके, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि चलिए, इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बातें हैं जो हम लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस चैप्टर के जो हमारे ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट, ओके, ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, यानी कि इनका जन्म जो है 1840 में फ्रांस में हुआ था, ओके, और 1897 ईस्वी में यानी कि 1897 में इनका डेथ हो गया था, ओके। ये एक नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। द लास्ट लेसन जो है ये उस समय लिखी गई थी जब फ्रेंको प्रशियन वार हुआ था 1870 से 1871 के बीच, ओके, यानी फ्रांस और प्रशियन कंट्रीज में युद्ध छिड़ गया था जिसको फ्रेंको प्रशियन वार कहा जाता था। इस युद्ध में फ्रांस का हार हो गया, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, यानी कि प्रशियन कंट्रीज के द्वारा फ्रांस का हार हो गया। और जो प्रशियन कंट्रीज थे उनको कौन लीड कर रहा था, तो उनको लीड कर रहा था बिस्मार्क, ओके। और इन प्रशियन कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री शामिल थे तो देख लेते हैं, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से शामिल थे, ओके, इस प्रशियन कंट्रीज में। यानी कि प्रशियन कंट्रीज एक ग्रुप था जिसके अंदर जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के शामिल थे, और इनको लीड कौन कर रहा था, तो इनको लीड बिस्मार्क उस समय कर रहा था, ओके। और ये जो प्रशियन कंट्रीज थे ये फ्रांस को हरा दिए, ठीक है, फ्रेंको प्रशियन वार में। और उसी समय ये कहानी लिखा गया था। और युद्ध में जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है अल्सेक एंड लोरेन, ओके, यानी कि अल्सेक और लोरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो फ्रांस से छीन लिए गए, ओके, और ये प्रशियन कंट्रीज के हाथों में चले गए। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस युद्ध का, ओके, उस समय क्या प्रभाव पड़ा था स्कूल लाइफ पे, यानी कि जो बच्चे होते थे स्कूल में, ओके, जो टीचर्स होते थे स्कूल में उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था इस युद्ध का, हम लोग देखते हैं, ओके। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि हमें समय रहते चीज़ों को समझ जाना चाहिए, नहीं तो बाद में हमारे सामने अफसोस के सिवाय और कुछ नहीं बचता है। जब समय बीत जाता है तो हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके। एक छोटे से बच्चे की कहानी है इस चैप्टर के अंदर, ओके, और उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा कहानी जो है वो लिखा गया है, ओके। किस तरीके से वो छोटा बच्चा जो कि फ्रांस का एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई करता है लेकिन मन से पढ़ाई नहीं करता है, और जब उसके कंट्री के ऊपर प्रशियन कंट्रीज का अधिकार हो जाता है तब वो अब अपने फ्रेंच भाषा को भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वहाँ पे अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो किस तरीके से ये जो छोटा सा लड़का फ्रेंच है, ओके, वो फील करता है उस समय, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, ओके। यहाँ आई जो है ये फ्रेंच है, ओके, फ्रेंच जो कि एक छोटा सा लड़का है। फ्रेंच के अकॉर्डिंगली ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे, ओके, और समझेंगे फ्रेंच जो है वो क्या क्या कहता है, ओके, क्या क्या सुनाता है, यानी कि फ्रेंच जो है ना वो नरेटर है, ओके, वही कहानी को कह रहा है, ओके। तो चलिए देखिए फ्रेंच क्या कह रहा है। फ्रेंच कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफी देर से निकला, ओके, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, और मुझे काफी डर था। ड्रेड ऑफ का मतलब होता है डर, ओके, किस चीज का डर था उसको, तो स्कॉल्डिंग का, यानी कि डांट पड़ने का। स्कॉल्ड का मतलब डांटना होता है। तो फ्रेंच स्कूल काफी लेट से निकला था उस दिन और उसे डर था कि उसे डांट पड़ेगा, स्पेशली खासकर तब जब मिस्टर एम हेमेल, ओके, यानी कि ये टीचर है फ्रेंच के, एम हेमेल, ओके, वो उस समय
क्वेश्चंस दिए थे सारे बच्चों को याद करके आने को, ओके किस चीज के ऊपर, तो पार्टिसिपल्स के ऊपर, वो बोले थे कि मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा, आपको सुनाना है, ओके मैं लेसन दूंगा इस पे, आपको सुनाना है, ओके पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक होता है, ओके अब फ्रेंच ग्रामर का भी टॉपिक हो सकता है, इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो और फ्रेंच कह रहा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में ये एक भी शब्द नहीं जानता था, और आज क्लास में पार्टिसिपल के ऊपर जो टीचर हैं वो क्वेश्चंस पूछने वाले थे, इसलिए वो और डर रहा था। तो एक मोमेंट के लिए, फॉर अ मोमेंट का मतलब एक मोमेंट के लिए, कुछ पल के लिए, ओके वो सोचा, फ्रेंच बोल रहा है कि आई थॉट, मैं सोचा, ओके ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यानी कि फ्रेंच सोचता है कि मैं भाग जाता हूं, स्कूल जाऊंगा ही नहीं, और अपना जो पूरा दिन है वह स्पेंड कर दूंगा आउट ऑफ डोर्स, यानी कि घर से बाहर, स्कूल से बाहर, ओके यानी कि मैं इंडोर्स में, स्कूल्स में, स्कूल में नहीं जाऊंगा, घर में नहीं रहूंगा, मैं बाहर बिता दूंगा आज का दिन, ओके ताकि मुझे डांट नहीं सुनना पड़ेगा। इट वॉज सो वार्म, यानी कि दिन काफी गर्म था, इट वॉज सो वार्म का मतलब वो दिन काफी गर्म था, और यूरोपियन कंट्रीज में गर्म दिन होना एक काफी बड़ी बात है, ओके क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा कोल्ड पड़ता है, ठंड के वजह से जो दिन होता है वो ब्राइट और वार्म नहीं होता है हमारे यहाँ के जैसे, ओके तो इसलिए वहां पे अगर दिन ब्राइट है, यानी कि सूर्य अगर निकला हुआ है पूरी तरीके से, और दिन अगर गर्म है, तो ये दिन काफी बढ़िया माना जाता है घूमने फिरने के हिसाब से बाहर, ओके। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट एज ऑफ वुड्स, यानी कि जंगलों के किनारे से जो पंछियां थी उनके चर्पिंग करने की आवाज, यानी कि चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही थी, और ओपन फील्ड में, यानी कि खुले मैदान में, ओके जो 100 मील था, 100 मील का मतलब होता है आरा मील, जिससे लकड़ी काटा जाता है, तो लकड़ी काटने का जो मिल था, ओके वहां से कुछ आवाजें आ रही थी, ओके ओपन फील्ड से, यानी कि खुले मैदान से, आरा मिल के पास से कुछ प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी कि प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो अब आ चुके थे वहां पे, क्योंकि वहां पे उनका अधिकार अब हो चुका था, तो वे लोग ड्रिलिंग कर रहे थे, ड्रिलिंग करने का मतलब एक्सरसाइज से है, यहाँ पे ट्रेनिंग से है, ओके वे लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, ओके। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ये सारी चीजें काफी ज्यादा टेम्पटिंग थे, टेम्पटिंग का मतलब अट्रैक्टिव, ये सारी चीजें काफी अट्रैक्टिव थी, आकर्षित करने वाली थी उन पार्टिसिपल्स के रूल्स के अपेक्षा, यानी कि पढ़ाई में फ्रेंच को मन नहीं लगता है, ये बात स्पष्ट है, क्योंकि वो कह रहा है कि पार्टिसिपल्स की वो जो रूल्स थी वो बोरिंग थी, और उनके अपेक्षा ये जो चीजें हो रही थी मेरे आसपास, जैसे कि चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, ओके आरा मशीन चलने की आवाज, और प्रशियन सोल्जर्स के ट्रेनिंग करने की जो आवाज है वो, ओके जो वो ड्रम वगैरह बजाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, आप अगर देखे होंगे सोल्जर्स को, ओके तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये सारी चीजें, और दिन काफी गर्म था, ये सारी चीजें काफी ज्यादा आकर्षित थी उन पार्टिसिपल्स के रूल्स के अपेक्षा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन फिर आगे वो कह रहा है कि मेरे अंदर ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, ओके रेसिस्ट करने की, यानी कि अपने आप को रोकने की, रेसिस्ट का मतलब रोकना, मैंने अपने आप को रोक लिया और हरिड ऑफ टू स्कूल, और स्कूल के तरफ भागा, यानी कि वो बोल रहा है कि काफी अच्छी अच्छी चीजें थी बाहर जो मुझे स्कूल जाने से रोक रही थी, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल किया और स्कूल के तरफ फिर चल दिया, दौड़ पड़ा, ओके यानी कि फ्रेंच फाइनली स्कूल जा रहा है, पहले तो सोचा कि नहीं जाऊंगा लेकिन फिर अब स्कूल जा रहा है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब वो टाउन हॉल को क्रॉस करता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था, तो जो बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड का मतलब नोटिस बोर्ड, ओके अंग्रेजों के समय बुलेटिन बोर्ड हुआ करता था, ओके टाउन हॉल हुआ करता था, वहां पे नोटिस लगता था, ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड पे टाउन हॉल के पास काफी भीड़ था, ओके और आगे वो कह रहा है कि फॉर लास्ट 2 years, यानी कि पिछले 2 साल से, ओके जितने भी बैड न्यूज थे ना वो यहीं से आते थे, मतलब कि उस नोटिस बोर्ड पे हमेशा बैड न्यूज ही छपा रहता था, जैसे कभी फ्रेंच सैनिकों की हार हो गई, किसी भी तरह का, मतलब कि लॉस्ट बैटल, यानी कि हारे हुए युद्ध का, ओके ये लोग युद्ध हार गए थे, तो उसका नोटिस वहां पे लगता था कि फ्रेंच लोग युद्ध हार चुके हैं, ओके ड्राफ्ट का, ओके ड्राफ्ट यहाँ पे सूखा वगैरह पढ़ने के लिए, ओके हम लोग कह सकते हैं ड्राफ्ट का मतलब ऐसे मैसेज भी होता है, ओके यहाँ पे जो कह सकते हैं ड्राफ्ट जो है वो सूखा वगैरह वहां पे पड़ता था, यानी कि किसी भी तरह के नेचुरल कलामिटी का, ओके उसके अलावा जो कमांडिंग ऑफिसर वहां हुआ करते थे, यानी कि जो रूलिंग करते थे वहां पे, उनके ऑर्डर्स वहां पे लगते थे नोटिस बोर्ड पे, सब लोग देखते थे क्या ऑर्डर आया है कमांडिंग ऑफिसर के तरफ से जो पूरे शहर को कमांड करता था, ओके
एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और फ्रेंड वहां रुका नहीं, बस मन में सोच रहा था ओके और रुका नहीं, विदाउट स्टॉपिंग वो वहां से जा रहा था दौड़ते हुए ओके भाग रहा था स्कूल के तरफ, और ये नोटिस बोर्ड देख रहा था ओके और सोच रहा था कि निश्चित रूप से फिर कोई बुरा खबर आया होगा, क्योंकि इस नोटिस बोर्ड पर हमेशा बुरा खबर ही छपता है ठीक है। तो वो सोच रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर अब क्या बात होगा ओके, आखिर इतना भीड़ क्यों है, आखिर अब क्या खबर आ गया यहाँ पे ओके, क्या बुरा खबर आ गया। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी कि जितना जल्दी से वो भाग सकता था वो उतना तेजी से हरी करते हुए यानी कि फास्टली वो भागने का कोशिश कर रहा था स्कूल के तरफ, तभी जो ब्लैक स्मिथ था वहां पे ओके, ब्लैक स्मिथ का मतलब लोहार जो लोहे का काम करता है ओके, जिसका नाम यहां बताया गया है वासर ओके, ब्लैक स्मिथ जो वासर था वो वहीं पे था, और उसको देखते ही ओके वो क्या बोला, तो वो बोलता है कि डोंट गो फास्ट बॉब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम ओके। वो कह रहा है कि ए लड़के, बॉब का मतलब बॉय ओके, यहाँ पे बॉब का मतलब बॉय, ए लड़के इतना तेजी से तुमको भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, प्रचुर मात्रा में समय है, तुम्हारे पास काफी टाइम है, आराम से जाओ, धीरे धीरे जाओ। और ये जो वासर था यानी कि जो ब्लैक स्मिथ था वो अपने अप्रेंटिक्स के साथ था, मतलब अपने हेल्पर के साथ था ओके, अप्रेंटिक्स का मतलब हेल्पर होता है जो सपोर्ट करता है ओके, तो उसका हेल्पर भी उसके साथ था, और ब्लैक स्मिथ उसको बोला कि तुम्हारे पास बहुत समय है बच्चे, क्यों भाग रहे हो, आराम से जाओ, एक तरीके से वो कमेंट पास करते हुए बोला। लेकिन फ्रेंच को उस समय वो चीज समझ में नहीं आया, फ्रेंच को बस उस समय लगा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है ओके। और आखिर फाइनली जो फ्रेंच है वो अपने उस टीचर एम हेमेल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया ओके, और वहां पहुंचते ही वाज ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, वो काफी ज्यादा हांफ रहा था, थक गया था दौड़ते दौड़ते ठीक है। तो पहले एम एम एल का गार्डन आता था, उसके बाद स्कूल आगे आता था ठीक है, एम एम एल वहीं रहते थे ओके। चलो आगे कहा गया है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, यानी कि सामान्य तौर पर जब स्कूल ओके शुरू होता था, जब स्कूल में पढ़ाई शुरू होती थी तो उस समय वहां पे काफी बसलिंग हुआ करता था, बसल का मतलब होता है वहां पे शोर शराबा, जैसे कि अलग अलग तरह के नॉइजेस हुआ करते थे, आप स्ट्रीट से ही यानी कि गली के बाहर से ही सुन सकते हैं उन आवाजों को ओके। जैसे कि किस तरह की आवाज है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ओके, यानी कि डेस्क के ओपन और क्लोज होने का आवाज ओके, बच्चे जो है वो अपना बुक कॉपी वगैरह निकालते हैं, डेस्क ड्रॉअर को ओपन क्लोज करते हैं, तो उस तरह की आवाजें ठीक है। उसके अलावा एक साथ, यूनिशन का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर, यानी कि एक साथ बच्चे जो थे वो लेसन्स को रिपीट करते थे, छोटे छोटे बच्चे थे तो जोर जोर से चिल्ला करके वो पढ़ते थे एक साथ लेसन्स को, तो उसका आवाज काफी लाउड आता था ओके। और आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि इतना तेज आवाज होता था ना कि ये याद कर रहा है कि हम लोग अपने कान के ऊपर अपना हाथ ऐसे रख लेते थे ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से समझे, सारे बच्चे अब बोलते थे तो सबका आवाज गूंजता था वहां पे, तो अच्छे से समझने के लिए ये जो फ्रेंड्स था वो और उसके कुछ दोस्त होंगे ओके, वो अपने कान को हाथ से ऐसे ढक लेते थे ताकि आवाज कम आए और वे लोग अच्छे से समझ पाए चीजों को और रिसाइट कर पाए, याद कर पाए ओके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे एम एम एल उनका जो ग्रेट रूलर था, रूलर का मतलब यहाँ पे स्टिक से है, उनका एक बड़ा सा स्टिक था ओके, जो टेबल के ऊपर रैपिंग करता था, रैपिंग करता करने का मतलब यहाँ पे क्या है, टेबल के ऊपर वो अपने स्टिक को जोर जोर से पटकते थे ओके, तो इस तरीके का आवाज सुनाई देता था बाहर से ही, कोई देख करके ही बाहर से ही सुन करके ये बता देगा कि क्लास चल रहा है ओके। लेकिन नाउ, लेकिन अभी क्या स्थिति है, जब ये फ्रेंच बाहर वहां पे खड़ा था एमएमएल के गार्डन के पास स्ट्रीट के पास, तो वहां पे कुछ भी इस तरह की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ स्टिल है, सब कुछ शांत है एकदम, सो स्टिल, सब कुछ एकदम शांत हो चुका है ओके। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, अब ये भरोसा करके आया था, यहाँ पे काउंटेड ऑन का मतलब भरोसा करना ओके, ये भरोसा करके आया था कि वो कमोशन का फायदा उठाएगा, कमोशन का मतलब नॉइज, जो नॉइज होता था ना उस नॉइज का फायदा उठाते हुए, शोरगुल का फायदा उठाते हुए ये चुपचाप अपने डेस्क पे पहुंच जाएगा बिना दिखे हुए टीचर को ओके, यानी कि वो चुपचाप छुप करके जाकर के बैठ जाएगा पीछे और टीचर देखेंगे भी नहीं, आवाज भी नहीं सुनाई देगा क्योंकि शोर शराबा हो रहा होगा क्लास में, तो यही वो सोचा था कि मैं चुपके से जाके पीछे बैठ जाऊंगा शोर शराबा का फायदा उठाते हुए ओके। बट ऑफ कोर्स दैट डे
एवरीथिंग हैड बीन एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। लेकिन निश्चित रूप से वो जो दिन था वो इतना शांत था, इतना क्वाइट था, मानो जैसे कि वो संडे मॉर्निंग था। संडे मॉर्निंग को, चूंकि संडे को स्कूल पढ़ाई नहीं होती है तो संडे मॉर्निंग को काफी शांत रहता है, तो ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग था, थोड़ी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जबकि नॉर्मल डेज में काफी तेज आवाज सुनाई देती है वहां से। दो दो विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और फिर वो बोल रहा है कि हालांकि खिड़कियों से मेरे क्लासमेट्स मुझे दिखाई दे रहे थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब अपने अपने जगह पे बैठ चुके थे पहले ही। और MML क्या कर रहे थे, जो टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, MML ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी कि इधर उधर टहल रहे थे। ओके, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने डरावने, टेरिबल का मतलब डरावने, और आयरन के बने हुए रूलर से, यानी कि स्टिक के साथ, आयरन के बने हुए स्टिक के साथ वो घूम रहे थे इधर उधर। अपने अंडर आर्म में लेकर के स्टिक को ऐसे, और दबाए हुए उस स्टिक को अपने अंडर आर्म में वो टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। तो फ्रेंड्स, अब सोचा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, सबके सामने से जाना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, मुझे सब लोग देख लेंगे, सारे बच्चे देख लेंगे, और टीचर मुझसे पूछेंगे कि लेट क्यों हो गए, मुझे डांट भी पड़ेगा, पिटाई भी लग सकता है। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, वो कह रहा है फ्रेंड्स, हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेन आई वाज। वो कह रहा है कि मैं कितना ज्यादा ब्लस हो चुका था। ब्लस का मतलब होता है यहाँ पे चेहरा लाल हो जाना, बिल्कुल घबरा जाना। बिल्कुल उसका चेहरा रेड हो गया था और वो बहुत घबराया हुआ था, फ्राइटेन हो गया था, डर गया था, क्योंकि अब मुझे MML के सामने जाना पड़ेगा। क्लास तो बिल्कुल शांत है, वो सोचा था कि हल्ला हो रहा होगा, फायदा उठा के चला जाऊंगा, लेकिन अब तो MML के सामने से उसे जाना होगा, इसलिए वो घबराया हुआ था, उसका चेहरा ब्लश हो गया था, रेड हो गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जब वो गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो सोचा था। MML saw me, फ्रेंड्स कह रहा है कि मुझे MML देखें और कहें, बहुत काइंडली कहें, बहुत पोलाइटली बोले मुझे, बहुत प्यार से बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स। वो बोले कि फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, तुम अपने जगह पे जाकर के चुपचाप बैठ जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास आज शुरू कर रहे थे। आज MML के आवाज में एक इमोशन था। वो बोले कि MML क्या बोल रहे हैं कि जाओ अपने जगह पे बैठ जाओ। आज तुम्हारे बिना ही हम लोग क्लास शुरू करने वाले थे, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसा वो नहीं बोलते थे इतना पोलाइट आवाज में नॉर्मली। फ्रेंड्स को काफी आश्चर्य हुआ। आई जम्प ओवर द बेंच, यानी कि ये बेंच को जंप करते हुए अपने डेस्क के पास जाकर के बैठ गया अपने डेस्क पे। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, आई डिड आई सी डेट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। अब आगे MML कैसे कपड़े पहने हुए थे इसका जिक्र करता है फ्रेंड्स। वो जब अपने सीट पे जाकर बैठ गया और थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उसका जब फ्राइट का मतलब डर, उसका डर थोड़ा जब कम हो गया, जब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया अपने सीट पे बैठने के बाद, उसके बाद वो देखा, क्या देखा कि उसके जो टीचर थे MML, वो बहुत ही सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे और फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे। फ्रिल्ड शर्ट कहने का मतलब है कि वेल डेकोरेटेड शर्ट। फ्रिल्ड शर्ट यानी कि काफी ज्यादा डेकोरेटेड शर्ट वो पहने हुए थे, काफी खूबसूरत, काफी अच्छा सा वो उनका कपड़ा उस दिन था। बहुत कलरफुल और बहुत डेकोरेटेड था, और एक छोटा सा कैप भी लगाए हुए थे सिल्क कलर का, ब्लैक कलर का। सिल्क का ब्लैक कलर का कैप भी लगाए हुए थे, टोपी भी लगाए हुए थे। और सब के सब एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कि उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, उनको अच्छे तरीके से डिजाइन वगैरह बनाए गए थे। एम्ब्रॉयडर्ड करने का मतलब है कि कुछ डिजाइन से बने हुए उनके कपड़े, उनके जो भी मतलब कि टोपी वगैरह सब कुछ पे अच्छे तरीके से एम्ब्रॉयडरमेंट किया गया था, यानी कि अच्छे तरीके से उस पर डिजाइन बने हुए थे। और नॉर्मली वो इस तरह का जो कपड़ा है और टोपी है वो वियर नहीं करते हैं, वियर का फॉर्म है और नॉर्मली वो ऐसे कपड़े और टोपी वगैरह नहीं पहनते हैं इस तरह के, एक्सेप्ट छोड़ करके किस चीज को, तो ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, यानी कि जब इंस्पेक्शन होता है स्कूल में किसी तरह का, खास तरह का जब जांच वगैरह होता है, इंस्पेक्शन होता है किसी चीज को लेकर के, कोई खास डे होता है या कोई प्राइस डे होता है, जिस दिन बच्चों को अवार्ड दिया जाता है, प्राइस दिया जाता है, उस दिन वो इस तरह के कपड़े और टोपी वगैरह पहनते हैं। सिल्क वगैरह के टोपी और ये सब कपड़े, लेकिन नॉर्मल डेज में ऐसा नहीं पहनते हैं, लेकिन आज वो ऐसा पहने हुए थे। आखिर आज कोई खास दिन था क्या, ऐसा फ्रेंड सोच रहा है।
बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, यानी कि इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इसके अलावा पूरा का पूरा जो स्कूल था वो एकदम शांत लग रहा था, ओके, और बिल्कुल स्ट्रेंज यानी कि अलग लग रहा था, अजीब लग रहा था, बिल्कुल गंभीर लग रहा था। सोलम का मतलब होता है गंभीर, सारे बच्चे बहुत गंभीर मुद्रा में थे, ओके, ऐसा लग रहा था कि सब काफी सीरियस हैं आज क्लास में, ओके। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात फ्रेंच को यह लगी कि पिछले बेंच जो खाली रहते थे आज वो बेंच भी भरे पड़े हुए थे, ओके। पहले वो बेंच एम्प्टी हुआ करते थे, खाली हुआ करते थे, लेकिन आज पीछे वाले बेंच भी भरे पड़े हुए हैं, ये आश्चर्य की बात है। और उन बेंचेस पे कौन बैठे हुए हैं? द विलेज पीपल, यानी कि गांव के लोग। सिटिंग क्वाइटली, सब लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, लाइक आवर सेल्फ, जैसे कि सारे बच्चे बैठे हुए हैं हम लोगों के तरह, यानी कि फ्रेंच कह रहा है कि हम लोगों के तरह, यानी कि क्लास के बच्चों के तरह वो चुपचाप गांव के लोग बैठे हुए हैं। उसमें कौन कौन है? ओल्ड हॉसर है, ओके, ये नाम है, ओके, विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, यानी कि जो ओल्ड हॉसर है वो अपने थ्री कॉर्नर वाले हैट के साथ बैठा हुआ है, ओके, वो हैट पहना हुआ है, ओके। द फॉर्मर मेयर, इसके अलावा जो मेयर है, ओके, वो भी बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, यानी कि जो पोस्टमास्टर थे गांव के पहले, वो भी बैठे हुए थे। इनके अलावा सेवरल अदर्स, कई सारे और भी लोग बैठे हुए थे वहां पे इनके अलावा, ओके। एवरीबॉडी, जितने भी लोग थे सब के सब सैड दिख रहे थे, ओके, सब बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे थे। जो हॉसर था वो एक ओल्ड प्राइमर लाया था, प्राइमर का मतलब वही बच्चों का जो छोटा वाला किताब होता है ना, छोटे बच्चों का किताब, बिल्कुल, जिसमें ABCD वे लोग पढ़ते हैं, ओके, 1-2 पढ़ते हैं, अल्फाबेट वाला जो किताब होता है उनका बेसिक किताब, उसी को प्राइमर कहा जाता है। तो ये जो ओल्ड हॉसर था वो अपने साथ बच्चों का जो बेसिक किताब होता है प्राइमर, ओके, वो भी लेकर आया हुआ था, ओके। थंबल्ड एट द एज, और उनके किनारों को ऐसे पकड़ा हुआ था जोर से, ओके, अपने थंब से, ओके, ऐसे दबाया हुआ था उस किताब को दोनों किनारे से, ओके, अपने हाथों से पकड़ा हुआ था अपने थंब से, ओके। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने नी पे रख करके, अपने घुटनों पे रख करके उसको ओपन करके बुक को ध्यान से, अपना चश्मा लगाया हुआ था, स्पेक्टिकल्स लगाया हुआ था, और पेजेज को पलट रहा था, लेंगे क्रॉस का मतलब एक पेज से दूसरा पेज पलट करके ध्यान से देख रहा था वो ओल्ड हॉसर, जो कि बूढ़ा हो चुका था हॉसर, ओके। While I was wondering about it all, फ्रेंच को यह सब देख करके आश्चर्य हो रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे क्लास में आज, ये लोग क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, गांव के बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोगों के क्यों बैठे हुए हैं, ओके। तभी ये सोच ही रहा था, आश्चर्य कर रहा था, तभी MML कुछ बोलते हैं। MML क्या बोले, ओके, तो MML माउंटेड हिज चेयर, यानी कि MML अपने चेयर से खड़े हो गए, ओके, माउंटेड का मतलब यहाँ पे वो अपने चेयर से, ओके, खड़े हो गए, ओके, और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी तरीके से सीरियसनेस के साथ, ग्रेव का मतलब सीरियसनेस, वो काफी सीरियस थे और बहुत पोलाइट आवाज में, जेंटल टोन में, बहुत पोलाइट आवाज में, बहुत प्यार से, ओके, वो बोले, ओके, क्या बोले, तो माय चिल्ड्रेन, बोले कि मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको अंतिम लेसन देने जा रहा हूं, ओके, आज जो मैं लेसन दूंगा वो अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है, ओके। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, बर्लिन जो कि जर्मनी का राजधानी है, ओके, वहां से ऑर्डर आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, कि एल्सेक और लोरेन के स्कूल्स में अब सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां पे अब उन प्रशियन सैनिकों का अधिकार हो गया था, तो अब फ्रेंच भाषा वे लोग नहीं पढ़ाएंगे, जर्मन भाषा पढ़ाएंगे एल्सेक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट में, ओके, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वे लोग जीत चुके थे, ओके। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपके जो नए टीचर हैं वो कल आ जाएंगे, ओके, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, I want you to be very attentive. इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप लोग बहुत सीरियस होकर के पढ़ाई करो, ध्यान से करो, क्योंकि आज के बाद फ्रेंच लेसन पढ़ाई नहीं होगा, आप लोग जर्मन पढ़ेंगे फ्रेंच भाषा के जगह पे, क्योंकि अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं अब ये फ्रांस के कंट्रोल में नहीं है, अब इस पे प्रशियन सैनिकों का कंट्रोल है, इसलिए अब हमारा मातृभाषा पढ़ाई नहीं होगा फ्रेंच, ओके। वॉट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी, अब फ्रेंच कह रहा है कि ये जो वर्ड्स थे कि आज लास्ट फ्रेंच भाषा की क्लास है, ये वर्ड्स मेरे ऊपर किसी बिजली के तरह, थंडर क्लैप, ऐसा लगा कि बिजली का मुझे जोर से झटका लगा, मुझे बहुत अजीब फील हुआ अंदर से, ओके, ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, और तब वो सोचा कि अच्छा
यही खराब न्यूज ओ द ब्रिचेस, यहाँ पे ब्रिचेस कहने का मतलब है कि ओ दिस वाज द बैड न्यूज देयर ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन द टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड। ओके, ये सोचता है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास यही नोटिस लगा था जो सब लोग पढ़ रहे थे जब मैं स्कूल आ रहा था, तो यही बैड न्यूज था कि आज के बाद फ्रेंच लेसन पढ़ाई नहीं होगा फ्रांस के इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में। ओके, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो कह रहा है कि आज मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, क्यों, जबकि मुझे तो अभी ठीक तरीके से लिखने भी नहीं आता फ्रेंच, ओके, फ्रेंच भाषा, और मुझे ठीक तरीके से पढ़ने भी नहीं आता, मैं तो लर्न भी नहीं किया हूं अभी ठीक तरीके से, मुझे और सीखने की जरूरत है अभी ये भाषा। आई मस्ट स्टॉप देयर, ओके, मुझे निश्चित रूप से, ओके, उफ़ो, मुझे निश्चित रूप से ये पढ़ना चाहिए था, ओके, वहां रुकना चाहिए था, उस नोटिस बोर्ड को देखना चाहिए था कि क्या यही नोटिस वहां पे लगा हुआ था या बैड नोटिस। ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब वो सोच रहा है कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैं अपने लेसन्स को अच्छे तरीके से नहीं करता था जब पढ़ाई होता था पहले तो। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं बर्ड्स के एग्स को ढूंढने जाता था, ओके, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार रिवर पे जा करके मैं स्लाइडिंग करता था, वहां पे मैं तैरता था, फिसलता था, ओके, माई बुक्स, मेरी जो किताबें थीं वो मुझे बिल्कुल एक न्यूसेंस की तरह लगती थी, मुझे ये किताबें काफ़ी एक बोझ की तरह लगती थीं, ओके, और कुछ समय पहले ही, ओके, ये किताबें मुझे बहुत हैवी लगती थी, बहुत भारी लगती थी, एक बोझ लगती थी, ओके, एक शरारत भरी चीज़ें लगती थी मुझे, ओके, मेरा ग्रामर का बुक, मेरा हिस्ट्री का बुक, ओके, जिसमें हमारे पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ था, सेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब है पूर्वजों से, ओके, साधु से नहीं है, ओके, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे लग रहा था कि ये सारी किताबें अब मेरी पुरानी दोस्त हैं, ओके, मुझे पढ़ना चाहिए था इनको, मैं नहीं पढ़ता था, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मैं इन्हें पढ़ना छोड़ नहीं सकता, ये कैसे हो गया कि अब हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे इन चीज़ों को। मिस्टर एम हेमल टू और मिस्टर एम हेमल भी, ओके, द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, यानी कि ये बात सुन करके कि मिस्टर एम एम एल अब स्कूल नहीं आएंगे, वो स्कूल छोड़ रहे हैं, स्कूल उनको छोड़ना पड़ रहा है, ओके, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनको दोबारा से स्कूल में नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ओके, मैं सब कुछ भूल गया था कि उनका वो जो स्टिक था, जो रूलर था, जो स्टिक था, और वो कितने ज़्यादा क्रैंकी थे, यानी कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कितने ज़्यादा खड़ूस टाइप के टीचर थे, ओके, ये सब कुछ मैं अब भूल चुका था, अब मुझे एम एम एल, वो किताबें, ओके, वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, ओके, लगने लगी थी, और मुझे ये पुराने दोस्त की तरह लगने लगे थे, मुझे लग रहा था कि अब कुछ छूट रहा है। ओफ पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन डेट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और अब इसको समझ में आ गया कि आज ये जो बेचारे पुअर मैन, यानी कि बेचारे एम एम एल, आज रिस्पेक्ट में, ऑनर में, ओके, अपने लास्ट लेसन के, आज उनका लास्ट क्लास था, तो अपने लास्ट क्लास को वो यादगार बनाने चाहते थे, और इसी क्लास को यादगार बनाने के लिए वो क्या किए थे, ये सुंदर सा फाइन संडे क्लॉथ, यानी कि सुंदर सा जो छुट्टी के दिनों में या फिर स्पेशल ओकेजन्स पे पहने जाने वाला ड्रेस है वो पहने हुए थे आज एम एम एल, अपने लास्ट क्लास को यादगार बनाना चाहते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और मैं अब समझ चुका था Why the old men of village were sitting there in the back of the room? कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो क्यों बैठे हुए थे पीछे, ओके, क्लासरूम के? It was because they were sorry too, क्योंकि वे लोग भी बहुत बुरा फील कर रहे थे। That they had not gone to school more, कि वे लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए, वे लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं किए थे, वे लोग भी अफसोस करने आए थे कि आज लास्ट क्लास है एमएमएल का और हम लोग भी अच्छे तरीके से फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ पाए अपने लाइफ में। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, या फिर कह सकते हैं कि ये उनका तरीका था 40 सालों से जो टीचर इस स्कूल में उन लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, उन लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं, ओके, फ्रेंच और लॉरेंस का सेवा करते आ रहे हैं, वहाँ के स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं 40 सालों से, तो कहीं ना कहीं उनके फेथफुल सर्विस का, उनके भरोसामंद जो उनका सेवा था, उसी के प्रति वे लोग उनको थैंक यू बोलने आए थे, उनका आभार व्यक्त करने आए थे उनके इस 40 साल के सर्विस के लिए, और उनको रिस्पेक्ट दिखा रहे थे, शोइंग देयर रिस्पेक्ट टू द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने देश के प्रति भी, ओके, अपने उस उन राज्यों के, उन डिस्ट्रिक्ट के प्रति भी रिस्पेक्ट दिखा रहे थे जो अब उनका नहीं था, ओके, डेट वॉज देयर नो मोर, यानी कि अब ये डिस्ट्रिक्ट उनके नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उन डिस्ट्रिक्ट के प्रति, उस टीचर के प्रति, ओके, अपना वे लोग आभार व्यक्त करने आए थे कि इतने अच्छे से ये टीचर 40 सालों से पढ़ाएं, ओके, हम लोग नहीं पढ़ पाए अच्छे से, हम लोगों की गलती है, पढ़नी चाहिए थी,
और अपने उन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की, ओके, एल्सेक और लॉरेंस, जो अब उनका हिस्सा नहीं था फ्रांस का, अब वो प्रशियन हाथों में चला गया था, तो कहीं ना कहीं वो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और अपने टीचर को आभार व्यक्त कर रहे थे कि आप 40 सालों से इतना अच्छा सर्विस दिए, शायद अब आप सर्विस नहीं दे पाएंगे, तो आपके इस बेहतर सर्विस के लिए आपका धन्यवाद। और वे लोग दुखी भी थे इसके साथ साथ। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके क्लास की सारी वीडियोज इस पे आपको मिलते रहें प्रॉपरली उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।